डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोडक्ट फंक्शन से। कुछ क्वेश्चन लिया है, उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रोडक्ट फंक्शन से कॉन्सेप्ट देखा था। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं प्रोडक्ट फंक्शन से। सिर्फ प्रोडक्ट फंक्शन से आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रोडक्ट फंक्शन का रूल क्या था, थोड़ा सा रूल समझिए। रूल, प्रोडक्ट फंक्शन में हम लोग यू इंटू वी फंक्शन लिया था। यू इंटू वी फंक्शन में यू को पहले डिफरेंस, यू को बाहर करते थे, वी को डिफरेंशिएट करते थे, और वी को बाहर करते थे, यू को डिफरेंशिएट करते थे। ये प्रोडक्ट फंक्शन का रूल था। तो यहाँ पे यू इंटू वी फंक्शन इसको बोलते हैं, इस रूल को क्या बोलते हैं, यू इंटू वी फंक्शन, यू इंटू वी फंक्शन। तो आज यू इंटू वी फंक्शन में कुछ क्वेश्चन लिया है और ये इसका रूल है। पहले यू को बाहर करो, वी को डिफरेंशिएट करो, फिर वी को बाहर करो, यू को डिफरेंशिएट करो। तो ये रूल है और इसी रूल पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया हुआ है। देखिए, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो लेट मान रहे हैं कि वाई इक्वल टू एक्स इन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये फर्स्ट को यू ले रहे हैं और सेकेंड को वी। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होता है, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यू को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, प्लस साइन एक्स को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए, हमने क्या किया, यू इंटू वी में यू को बाहर किया, यू को बाहर किया, वी को ये डिफरेंशिएट किया, फिर वी को बाहर किया मतलब साइन एक्स को बाहर किया, यू को डिफरेंशिएट किया मतलब यू को डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ से हमको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए, ये तो बाहर है, इसको कुछ नहीं किए, जैसे वैसे ही बाहर आ जाएगा। अच्छा, साइन एक्स का हम डिफरेंशिएट जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला से, डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स, टी रेशियो का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, प्लस यहाँ कॉस एक्स बाहर है, साइन एक्स बाहर है, यहाँ पे साइन एक्स बाहर रहेगा। और ये एक्स स्क्वायर का एक्स के पावर एन पे हम लोग देख चुके हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर एन, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स के पावर एन क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो एन क्या है, टू है, तो टू एक्स के पावर टू माइनस वन वन हो जाएगा, और वन को लिखते नहीं है। डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। तो ये दो फार्मूला लगा, साइन एक्स का कॉस एक्स लिखा और एक्स स्क्वायर का टू एक्स यूजिंग द फार्मूला, ये दो फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए लगा। तो यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वन हो गया। सिमिलर क्वेश्चन टू भी है, यू इंटू वी। जैसे क्वेश्चन टू में देखिए, क्वेश्चन टू है, ये क्वेश्चन वन था, अब हम क्वेश्चन टू बात कर रहे हैं। लेट वाई इक्वल टू क्या गिवेन है, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, इसको यू ले रहे हैं, इसको वी, किसी को भी यू वो भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली फर्स्ट को यू ले लिया जाता है, सेकंड को भी। फिर से ये स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट यहाँ दिए हैं, यहाँ पे सेम स्टेटमेंट रहेगा कि डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए, यहाँ पे e के पावर x, u इंटू वी में u को बाहर करेंगे, फर्स्ट को बाहर करेंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को बाहर करेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को बाहर करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, e के पावर x का e के पावर x बाहर है, और हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा, डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस ये कॉस एक्स तो बाहर है, और डिफरेंशिएट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, इसका ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ये दो फार्मूला, इसमें ये फार्मूला लगा था और इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही लिख सकते हैं। अब यहाँ भी ई के पावर एक्स है, यहाँ भी ई के पावर एक्स है, कॉमन ले लें, ई के पावर एक्स कॉमन ले लिया, प्लस को पहले लिख रहे हैं कॉस एक्स, और माइनस को बाद में लिख रहे हैं साइन एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी प्रोसेस है यू इंटू वी फंक्शन के लिए। सिर्फ रूल पता है और फार्मूला पता है तो आप यू इंटू वी फंक्शन आराम से बना सकते हैं,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन थ्री में देखते हैं, क्वेश्चन थ्री क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन थ्री है, देखिए इसको लिख लिए। देखिए क्वेश्चन थ्री गिवन है, क्वेश्चन थ्री में क्या गिवन है, क्वेश्चन थ्री में दिया हुआ है x लेट y इक्वल टू मान रहे हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू क्या है साइन x। ठीक है, अब इसमें भी इसको u मान रहे हैं और इसको v, u इंटू v, डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में फंक्शन है। y का क्या होगा, dy by dx। अच्छा, u को बाहर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को बाहर किया, डिफ्रेंशिएट किया किसको, साइन x बाय dx, प्लस साइन x को बाहर करेंगे, इस बार डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखिए ये तो बाहर है, इसको एज इट इज लिख सकते हैं। अच्छा, साइन x का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन x, अभी हमने फार्मूला बताया था साइन x का cos x होता है, यहाँ साइन x बाहर है, और x स्क्वायर का क्या होगा, x के पावर n पर 2x हो जाएगा, और 3x का 3 होता है, कॉन्स्टेंट 0। तो ये हो गया, आप इसको फाइनली लिख लीजिए ऐसे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू cos x प्लस 2x प्लस 3 इंटू साइन x, ये हो गया डिवाइड बाई dx। ये क्वेश्चन हो गया किसका, 3 का आंसर, 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया, 3 का देख लिए, सेम है, इसमें भी ये u लेंगे v लेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। आइए देखिए क्वेश्चन 4, क्वेश्चन फोर है, लेट y इक्वल टू 2 के पावर x इंटू कॉट x, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको u ले रहे हैं, इसको भी y का dy by dx, u को बाहर करिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए किसको, cot x को, cot x by dx, प्लस cot x को बाहर कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए किसको, 2 टू द पावर x dx, 2 के पावर x यहाँ तो बाहर है, और cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, डिफ्रेंशिएट ऑफ cot x का जो डिफ्रेंशिएट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स, और डिफरेंशिएट ऑफ ए टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ ए टू द पावर एक्स डीएक्स का होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, ये दो फार्मूला था, ये हो जाएगा 2 के पावर एक्स लॉग ए, ए के जगह पर क्या है 2, तो लॉग 2 हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे 2 के पावर x कॉमन ले लो, तो 2 के पावर x कॉमन लिए तो ये क्या हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा log 2 cot x, यही हो गया dy by dx आंसर क्वेश्चन 4 का। ठीक है, क्वेश्चन 4 का ये हो गया। अब हमारा लास्ट है क्वेश्चन फाइव, ये 4 भी हो गया 5। देखिए ये तो 3 लिख ही लिए होंगे आप लोग, इसको रब करते हैं, क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन फाइव क्या है, लेट y इक्वल टू x क्यू इंटू कॉस एक्स माइनस 2 टू द पावर x इंटू टेन एक्स। देखिए इसको भी यहाँ पे u लेंगे और यहाँ पे v, इस टर्म में भी ये u होगा और ये v, तो अब डिफ्रेंशिएट यहाँ पे लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y का होगा dy by dx, अच्छा u इंटू v, u को बाहर करेंगे, सबसे पहले इसमें कर रहे हैं। ठीक है, देखो ब्रैकेट कर दे रहे हैं, इसके टर्म के लिए पहले कर रहे हैं, u को बाहर किए, डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x को dx, अच्छा
प्लस कॉस एक्स को बाहर करेंगे, डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, एक्स क्यू बाई डी एक्स, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये बीच में माइनस इसका आ गया, फिर से ब्रैकेट टू टू द पावर एक्स को बाहर कीजिए, टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए बाई डी एक्स, प्लस टेन एक्स को बाहर कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए टू टू द पावर एक्स ना डी एक्स, ये ठीक है। अब देखिए एक्स क्यू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स और इंटू एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। एक्स के पावर एन का फार्मूला, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक में माइनस। अब यहाँ पे देखें टू के पावर एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस टेन एक्स और टू के पावर एक्स का क्या हो गया, टू के पावर एक्स लॉग टू, लॉग टू। ये अब इसको पूरे को माइनस कर दो, ये माइनस को ओपन कर दीजिए। देखिए इस माइनस को अगर ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्या, माइनस एक्स क्यू, माइनस एक्स क्यू साइन एक्स, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस टू टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस माइनस टू टू दी पावर एक्स टेन एक्स लॉग टू, टू दी पावर एक्स लॉग टू पहले लिखिए, लॉग टू टेन एक्स, यही हो गया dy by dx। यह क्वेश्चन 5 का आंसर है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं u into v। बाकी क्वेश्चन जो बुक का दिया हुआ है, चाहे NCERT और RSSL का, इसी प्रोसेस से, इस रूल से और फार्मूला याद करके आप लोग को सॉल्व करना है। और मैं नेक्स्ट आप लोग को u into v फंक्शन डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को।